आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल मावा की बर्फी की रेसिपी। ये बहुत टेस्टी तो लगती है, साथ में बहुत ही आसानी से बनाना और बहुत ही जल्द बन जाती है। तो करते हैं फटाफट शुरू। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक कप तिल। इसे हमें धीमी आंच पे रोस्ट करना है जिससे सभी तिल बहुत ही अच्छे से सिक जाए और जले नहीं। कलर इसका हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए। हल्के से इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। इतने तिल सेकते हुए मुझे अभी 5 मिनट हुए हैं और हल्की हल्की से इसमें अब खुशबू आने लगी है। और ये तिल थोड़े से रोस्ट होने के बाद हल्के से फूल गए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और हल्के से तिलों में से आवाज आने लग जाती है। बस तब तक ही हमें इसे सेकना है, ज्यादा हम इसे नहीं सेकेंगे नहीं तो ये कड़वे हो जाते हैं। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने तिल को मिक्सर पॉट में ट्रांसफर कर लिया है और इसे हम दरदरा पीसेंगे, यानी हमें इसका फाइन पाउडर नहीं बनाना है। सिर्फ आप मिक्सर को चलाएंगे 4-5 सेकंड के लिए और फिर बंद करेंगे, उतने में ही ये तिल पिसा जाएंगे। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसे दरदरा पिसा है। आप चाहें तो फाइन भी पीस सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मावा, वजन में ये 150 ग्राम है। तो इसे हम सेम पैन में डाल देते हैं। इसे हमें कंटिन्यू चलाना है मावा, जिससे नीचे चिपके नहीं, और इसे हमें सॉफ्ट होने तक चलाते रहना है। मावा को मैंने भुना है थोड़ी देर और ये हल्का हल्का सा घी छोड़ने लगा है और सॉफ्ट भी हो गया है। तो बस इस तरीके से जब सॉफ्ट हो जाए फिर हमें इसमें डालना है 3/4 कप पीसी हुई शक्कर और इसे हमें शक्कर के मेल्ट होने तक चलाते रहना है। ये देखिए धीरे धीरे जो है शक्कर मेल्ट होती जा रही है। ये देखिए शक्कर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और बहुत ही लिक्विडी हो गया है। ये सिर्फ 2 मिनट ही लगे हैं कुछ और अच्छे से शक्कर मेल्ट हो गई है। बस इस स्टेज पर अब हम इसमें डाल देंगे हमारा पिसा हुआ तिल। गैस की फ्लेम को आप बिल्कुल धीमा रखें और साथ ही में इलायची पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। तिल को फटाफट से मिक्स कर लेना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। जल्दी से आप इसे मिक्स कर लें और इसे प्लेट में निकाल लें जमाने के लिए, नहीं तो ये क्या होगा। ज्यादा अगर आपने इसे गैस पे रहने दिया और चलाते रहे तो फिर ये मिठाई चीवी सी बनती है, इस बात का ध्यान रखें। मिक्स हो जाए बस तब तक हमें इसे मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सूखा सूखा है तो फिर आप 1 से 2 चम्मच इसमें दूध डाल के फिर मिलाएं। गैस को मैंने बंद कर दिया है। घी से आप थाली या इस तरीके से पॉट को ग्रीस कर लें और फिर ये मिश्रण को निकाल लेते हैं इसमें। और अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल देते हैं और स्पैचुला से उसे अंदर दबा देते हैं। और इसे अब सेट होने के लिए हम प्लेटफॉर्म पर ही इसे छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाए करीबन 15-20 मिनट बाद आप इसमें मार्किंग कर दें। बस इसे अभी और अच्छे से सेट होने देते हैं, ज्यादा जल्दी हो तो फिर आप फ्रिज में रख लें इसे। हमारे तिल मावे की बर्फी सेट हो चुकी है, ठंड के दिनों में जल्दी सेट हो जाती है, तो इसे अब निकाल लेते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से ये जो है निकल कर आ गई है, बहुत ही अच्छे से सेट हुई है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बताती हूँ, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट है, बहुत ही टेस्टी है, बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा।